हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। तो बात करने वाले हैं आज वॉल्वो C40 रिचार्ज की एक नाइट रिव्यू के बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप इसका फ्रंट से लुक देखो तो ऐसा कुछ इसका निकल के आता है। एंड रियर में अगर आप जाता हूँ तो यहाँ पे आप देखो पेडल लैंप्स हैं, और ये अगर आप इसको बंद करते हो गाड़ी को तो ऐसे कुछ बंद होती है एंड ऐसे कुछ ये खुलती है। एंड रियर से काफ़ी ज़्यादा गाड़ी अच्छी लगती है। सो ड्राइव करते हैं गाड़ी को और बात करते हैं इसके रिव्यू के बारे में। सो अब चलते हैं ड्राइविंग सीट पे गाड़ी। तो आ चुके हैं वॉल्वो C40 रिचार्ज की ड्राइविंग सीट पे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अगर आपको दिखा दूँ तो रात में इसका कुछ ऐसा लेआउट आता है। अगर लाइटिंग की बात करते हो आपको यहाँ पे दो रीडिंग लैंप्स देखने को मिल जाएंगे विच टच सेंसिटिव, जिनका थ्रू आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाता है। एंड यहाँ पर आपको स्वीडन के जो पहाड़ हैं उनका लुक देखने को मिलता है। इसमें वाइट लाइट ग्लो होती है रात को, जैसे आप देखो बहुत अच्छा लुक है एंड बहुत काफ़ी डिसेंट सा इसका इंटीरियर फील होता है। एंड यहाँ पे आपको वायरलेस चार्जर के पास एक छोटी साइड दे रखी है, यहाँ नीचे आपको फुट जहाँ पे आप करेंगे वहाँ पे भी आपको लाइट मिलती है। सो ड्राइव करते हैं इस कार को। तो यहाँ पर कोई भी स्टार्ट स्टॉप स्विच बटन नहीं आता, जस्ट आपको डी में स्लॉट करना है गाड़ी को एंड गाड़ी अपना चलने लगती है। एंड पर्सनली अभी तक इतनी गाड़ी ड्राइव कर चुके हैं एंड इसका जो गियर सेलेक्टर है बहुत स्मूथ है, बहुत ज़्यादा स्लीक शिफ्टिंग गियर शिफ्ट है इसमें, बहुत अच्छा रहता है। तो ये गाड़ी जो है वो आपको एक शोरूम पड़ती है कुछ 63 लाख के आसपास न्यू दिल्ली, एंड इसमें आती है 78 kWh की बैटरी कैपेसिटी और जो प्रोड्यूस करती है 408 bhp की पावर एंड 660 nm ऑफ टॉर्क। तो इस गाड़ी में मोटा मोटी दो फॉर्च्यूनर जितनी पावर है और अंडर 1 cr सबसे ज़्यादा फास्ट कार है। अगर आपको 0 to 100 करना है बहुत क्विक है। अगर मैं आपको हल्का सा भी स्ट्रेच है ये मैं आपको दिखाता हूँ। पता ही नहीं लगता है कब गाड़ी 120 टच कर रही है। बहुत स्मूथली इसका जो एक्सेलरेशन हुआ आता है बहुत क्विक ये शिफ्ट करती है। एंड अगर इसके स्टेयरिंग व्हील की बात करें, स्टेयरिंग व्हील पर्सनली बहुत ज़्यादा कमाल का इसका स्टेयरिंग व्हील है। जैसे मैं इसको अब जैसे मेरे को लेफ्ट हल्का सा लूँगा तो अपने आप सेंटर में आ जाता है। अब मैं राइट ले रहा हूँ अपने आप सेंटर में, तो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव स्टेयरिंग व्हील दे रखा है वॉल्वो ने इसमें। एंड सेफ्टी फीचर्स तो इसमें भर भर के दे रखे हैं, जो भी एडास के फीचर्स हैं आपके। एंड इसमें अगर आप एडास को ऑफ भी कर दो तब भी इसमें आपको जो ब्रेकिंग वाली जो चीज़ें रहती है, सपोज इमरजेंसी ब्रेकिंग करनी है तो गाड़ी अपने आप इमरजेंसी ब्रेक करती है। बहुत कमाल की ब्रेकिंग है वो, उसमें कोई भी डाउट नहीं है, मतलब वॉल्वो किलर है उस सब चीज़ों में। अब बात करते हैं कि आपको अंदर नॉइस कैसी रहती है। तो काफ़ी इंसुलेटेड कैबिन है, बहुत ज़्यादा अच्छी बिल्ड क्वालिटी, बैठते ही फील हो जाती है, डोर्स बहुत हैवी हैं। इवन ये वॉल्वो की स्टार्टिंग गाड़ी में आती है बट इसकी बिल्ड क्वालिटी आपको फील नहीं होगी ये कोई भी 1 crore के नीचे की गाड़ी है। बस जो एक दिक्कत मेरे को लगती है वो लगती है इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में, बहुत ज़्यादा बेसिक इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, कोई भी इतने फीचर्स इसमें नहीं है। खाली आपको बीच में नेविगेशन देखने को मिलती है और उसको भी आप ऑफ कर सकते हो, खाली इतना आपको फीचर देखने को मिलते हैं, ज़्यादा आपको फीचर्स नहीं देखने को मिलते हैं। एंड ऐसा सब कुछ हॉर्न है, बहुत लाउड हॉर्न है इसका, बहुत अच्छा फील होता है, सामने वाला इंसान बहुत बुरी तरीके से डर जाता है अगर ये गाड़ी पीछे से ऑन हो जाती है। एंड यहाँ पे आपको दोनों जो इसके साइड मिरर्स हैं इनमें आपको ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटर दे रखा है एंड इवन टिंटेड भी हैं थोड़े से, यहाँ पे पूरे इन्होंने टिंटेड की वो स्क्रीन लगा रखी है तो लाइट्स वगैरह नहीं पड़ती, वो काफ़ी अच्छी चीज़ है। कॉर्नरिंग करने के लिए गाड़ी काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, बॉडी रोल बहुत अच्छी तरीके से इसमें इन्होंने कंट्रोल कर रखा है। बट जो मेन मज़ा है ना वो इसका ड्राइव का, बहुत अच्छा खासा इसमें मज़ा ड्राइव का। एंड फील ही नहीं होता है कि आप इतनी, मतलब इतनी महंगी गाड़ी नहीं है, मैं आपको ईवी से रिलेटेड अगर आप देखो तो इतनी ज़्यादा कॉस्ट इसकी नहीं आती है, बहुत ज़्यादा बजट फ्रेंडली गाड़ी आ जाती है। बट इसमें जो दिक्कत आती है वो आती है इसकी सीटिंग कैपेसिटी में, पीछे का कम्फर्ट थोड़ा सा इन्होंने वो डाउनग्रेड कर रखा है। फ्रंट सीट का जो कम्फर्ट है बहुत अच्छा है, सीट्स बिल्कुल स्पोर्टी टाइप की बना रखी है एंड आपको हक कर लेती हैं सीट्स। एंड स्पेस बहुत अच्छा है, मतलब मैंने हल्की काफ़ी ज़्यादा सीट आगे करके एंड मेरी अच्छी खासी हाइट है बट तब भी मेरे को कभी इतना स्पेस नहीं मिलता किसी भी गाड़ी में, मैं आराम से पैर अब भी स्ट्रेच कर सकता हूँ, बहुत ज़्यादा स्पेस दे रखा है गाड़ी में। तो ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ मेरे को लगी, बहुत अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है गाड़ी में। एंड एक मैं को बताता हूँ, ये गाड़ी 100% ईको फ्रेंडली बनाने के लिए एक वे में है, क्योंकि जो इसका जो इंटीरियर में चीज़ें यूज़ करी गई हैं, जैसे यहाँ पर अगर आपको जो चीज़ें रहती हैं ऊपर, यहाँ पर आपका रिसाइकल मटेरियल यूज़ करा गया, जैसे कि आपकी जो वाइन बॉटल के ऊपर कॉक्स होते हैं, प्लास्टिक बॉटल होती हैं, उन सबको यूज़ करके इसका जो मटेरियल है वो यूज़ करा गया है। एंड सेकेंड थिंग ईवी है तो सस्टेनेबिलिटी पे पूरा ध्यान दिया गया इस गाड़ी में। एंड इस प्राइस सेगमेंट में अगर आपको इतनी सब चीज़ें देखने को मिलती तो इंसान खुश हो ही जाता है।
आपको इतना कुछ इसमें खेलने को नहीं मिलेगा, चीज़ें की मोड्स हैं, ये हैं वो हैं, बहुत सिंपल सी कार है, जस्ट ड्राइव एंड फन वाली चीज़ है इसमें। यहाँ पर आपको 9 इंचेस की स्क्रीन मिलती है पोर्ट्रेट मोड में, जो कि टिपिकल वॉल्वो का हमेशा स्टाइलिंग आता गया है। एंड अगर इसकी चार्जिंग की बात करते हैं, तो अगर आप एसी चार्जिंग कर रहे हो, अगर आप एसी मोड से चार्ज कर रहे हो, तो आपको 7 to 8 hours लगेंगे पूरा 100% होने में। एंड अगर आपका डीसी आउटपुट है 150 kWh तक का, तो मैक्स टू मैक्स 30 minutes में गाड़ी आपकी पूरी चार्ज हो जाएगी। और हाँ, सबसे इम्पॉर्टेंट जो रहता है वो रहता है कि कितनी ज़्यादा चलती है पूरे फुल चार्ज में। तो ये गाड़ी जाती है, वॉल्वो जो क्लेम करता है वो 530 kilometers, बट ये गाड़ी जाती है 400 to 420 kilometers के आसपास रियल वर्ल्ड में अगर आप देखोगे। डीजेनरेटिव ब्रेकिंग सब कुछ है इसमें, ऑब्वियस सी बात है इस गाड़ी में तो होगा। और बाहर की आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आती इस गाड़ी में, वो सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है कि आप ऐसा लगता है बिल्कुल ही दुनिया से कट चुके हो और अपनी ड्राइव इतनी अच्छी तरीके से इन्जॉय करते हो। क्योंकि जो इसका स्पीकर आउटपुट है वो भी बहुत ज़्यादा लाजवाब है, मतलब हरमन कार्डन ने इसमें जो ट्यूनिंग करके दी स्पीकर से बहुत ज़बरदस्त है, मतलब मज़ा आ जाता है, फील ही होता है कि यार ये कैसे इतना सब कुछ इन्होंने इतने उसमें कर रखा है। थोड़े बहुत फीचर्स का, जैसे वेंटिलेटेड सीट्स नहीं है इसमें, वो थोड़ा सा डिग्रेड लगता है मेरे को। एंड हल्का सा यहाँ पे इन्होंने ये चीज़ भी, थोड़ा हाइट इसकी कम है हल्का। तो इसमें जो कुछ नेगेटिव्स मेरे को लगते हैं वो है कि यहाँ पे जो इसका ये पिलर है बहुत ज़्यादा नीचे का रखा है, थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है वो उतरने चढ़ने में। एंड इसका कूपे लुक है तो पीछे वाले पैसेंजर्स को हेडरूम में दिक्कत आती है, और जो इसके पिलर्स है पीछे बहुत ज़्यादा ब्रॉड है, तो ब्लाइंड स्पॉट वो ऑब्वियसली बातें क्रिएट करते हैं, तो थोड़ी बहुत उसमें ड्राइविंग प्रॉब्लम आती है। रियर में अगर आपको देखना है यहाँ से, तब भी आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छोटा व्यू रहता है। अगर वो सब चीज़ें आप कर सकते हो तो आप इस गाड़ी को ज़रूर से ज़रूर कर सकते हो। ये कम्पीट करती है Hyundai Ioniq 5 और Kia EV6 से, तो एज अ ब्रांड वॉल्वो अगर आपको जाना तो ये गाड़ी आप बिल्कुल कंसिडर कर सकते हो। अब बात करते हैं हेडलाइट के थ्रो की, तो हेडलाइट का थ्रो मेरे को डिसेंट लगा। एंड पहली बार इंडिया में वॉल्वो ने यूज़ करी पिक्सल डॉट टेक्नोलॉजी जो इनके LED में है, पहली बार इंडिया में इसी गाड़ी में आई है, तो वो बहुत अच्छी बात है। और ब्रांड्स यूज़ कर रहा है बट इन्होंने अभी अपनी गाड़ी में पहली बार यूज़ करा है। सो ये हल्का सा स्ट्रेच है, मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे इसका स्टेयरिंग कितना रिस्पॉन्सिव है। एंड आप गाड़ी में रेस देते रहो ये भागती रहेगी, बट ये 180 के बाद रुक जाएगी, क्योंकि वॉल्वो की गाड़ी में लिमिटर आता है 180 का, तो 180 के बाद ये गाड़ी रुक जाएगी। एंड अभी ये गाड़ी कुछ 230 की रेंज दिखा रही है, रेंज अच्छी मिलती है इस गाड़ी में, मैं कहना चाहूँगा रेंज इसकी काफ़ी ज़्यादा अच्छी इस प्राइस सेगमेंट के हिसाब से, अगर आपको इतने सब फीचर्स मिल रहे हैं। एसी हल्का सा और अच्छा हो सकता था मेरे को ऐसा फील होता है, ब्रेकिंग भी थोड़ी कॉन्फिडेंट और हो सकती थी, ब्रेक थोड़े से लाइट फुट फील होते हैं, ब्रेक थोड़े से और अच्छे हो सकते थे इसके, जिस हिसाब से ये भागती उस हिसाब से उसके ब्रेक्स नहीं है। एंड रेस पेडल काफ़ी ज़्यादा इसका स्मूथ है। तो यही सब चीज़ें यार इसके ड्राइव रिव्यू के बारे में। तो ये था हमारा वॉल्वो C40 रिचार्ज का एक छोटा सा ड्राइव रिव्यू, मैं इसको कहूँगा नाइट ड्राइव रिव्यू है गाड़ी का, क्योंकि सारे इसमें मैं आपको नाइट का लुक दिखा रहा हूँ गाड़ी का, कैसे इसका हेडलाइट का थ्रो रहता है, कैसे रात में इनमें आपको इंटीरियर इसका लगेगा। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन की कैसी लगेगा आपको मेरी वीडियो, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके देना, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई गाड़ी के साथ, तब तक के लिए बाय।